नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज हमें फोटोस्टेट की मशीन परचेज करनी है, हाउ टू बाय फोटोकॉपियर मशीन, फाइंड होलसेलर शॉप। हमारे कोई भी 25-30 किलोमीटर के एरिया में, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए इससे फोटोस्टेट मशीन कॉपियर खरीदने के लिए, क्योंकि सर इस मशीन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं चलते टाइम भी। अगर हमें प्रॉपर इसका ज्ञान नहीं है तो बहुत मुश्किल वाला काम है ये। हमें सर सबसे पहले मशीन खरीदने के लिए एक होलसेलर के पास जाना चाहिए सर। हमें काफी मशीन सर देखनी चाहिए, सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसमें से हमें सारे कंपैरिजन करके एक ही मशीन सिलेक्ट करनी है। और हमारे साथ सर एक इंजीनियर की बहुत जरूरत है। जैसे कि सर हम चले जाते हैं, हम कंपैरिजन नहीं करते कोई मशीनों में आपस में, हम उन्हें कह देते हैं कि मशीन दे दो, मशीन चेक नहीं की, कुछ पता नहीं, जब लेके रख देते हैं तो दिखते हैं कि समस्या बन जाती है सर, हमारे किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए हमें सर एक मैकेनिक की जरूरत होती है साथ में सर, इंजीनियर की। जैसे कि सर हम दो मशीनों में आपस में कंपैरिजन करते हैं, रेट का भी कंपैरिजन करना है सर, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी देखनी क्या पड़ती है, सब कुछ अलग अलग कंपैरिजन करके फिर ही हम एक मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सर हमें उस बायर से सर, एक शॉपकीपर से हमें सर ये सर्विस चाहिए कि पर मंथ हमारी मशीन के लिए एक बंदा जरूर भेजे पर मंथ के लिए। एक ये बताना कि जैसे बहुत सारे मॉडल होते हैं तो जो खरीदार है वो ना फंस जाता है कि ये मॉडल लूं कि ये मॉडल लूं, सेकंड हैंड लूं कि न्यू लूं। सर देखो फोटोकॉपियर मशीन तो जैसे आपने ये बात बताई ना दूसरा और तीसरे पॉइंट में कि प्राइस लिस्ट ले लो, कंपेयर करो। अब मॉडल अलग अलग है, उसकी प्राइस अलग अलग होगी, तो फिर सेकंड हैंड है कि न्यू है। सर फोटोस्टेट कॉपियर मशीन जो इंडिया में कोई भी मिलती है, जो अच्छी अच्छे मॉडल है, IR 6000 3300। आप थोड़ा लिख दो इस दो कौन कौन से मॉडल आप बता दे। ठीक है, IR 3300 ये कैनन में भी मिलेंगे, ये कैनन में ही बेस्ट होते हैं सर। ठीक ठीक, IR 6000 ठीक है, ये सर बेस्ट मॉडल है, जो ये दो मॉडल है। अच्छा, ये सेकंड हैंड में सर आज से कुछ टाइम पहले तो नहीं आती थी, बट अब RC मशीन्स होती हैं या अमेरिकन मशीन्स, यही मिलती है हमें। क्या सेकंड हैंड लेके भी कुछ बेनिफिट है? सेकंड हैंड सर हमें सेकंड हैंड ही मिलती ही, सेकंड हैंड है, न्यू मिलती ही नहीं है इंडिया। अच्छा 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 सर, ऐसा है सर इसमें मशीन में पार्ट्स की पहचान होनी चाहिए हमें सबसे बड़ी। उसके मशीन के अंदर क्या क्या है पार्ट्स? सर इसमें मेन जो होता है IR 6000 का ड्रम होता है। ठीक, प्रिंटिंग ड्रम, ड्रम जिसमें इंक होती है, जिसमें नहीं सर पाउडर, प्रिंटिंग छापता है सर, छापता है इंक पाउडर। हाँ, नहीं सर ड्रम, ड्रम ड्रम होता है। ठीक ठीक होता सर, ठीक ठीक। उस सर हमें अच्छी इंक यूज करनी चाहिए, कैनन की, जो सर जमे ना इंक। ठीक ठीक ठीक, उससे हमारी सर पिकअप रबड़े और जो मशीन की सर लाइफ है वो बढ़ी जाती है। कोई मिस्टेक भी है जो लोग अक्सर करते हैं खरीदते समय? सर इसमें यही मेन तो सर पहचान की होती है, अगर वो नहीं पहचानेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। RC मशीन होती है सर, एक अमेरिकन होती है। ठीक है सर, उसकी वायर से पता चलता है वो RC है के अमेरिकन है, और वो सर वो अंदर से अगर तार का ना सर पतला और मोटे का फॉल्ट होता है, अगर सर वो पतली वायर होती है तो वो RC मशीन होती है। आजकल ऐसा होता है वो मोटी वायर मशीन में फिट करके कहते हैं अमेरिकन मशीन है। नहीं, अगर वो दूसरी मिल जाती है तो हमें क्या कमी है उसमें? सर वो मॉडिफाई की होती मशीन है हमारी। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा है जो जो अमेरिकन मशीन है वो बड़ी है, वो सर बहुत बेस्ट है, वो 7 की होती है, जो कि अब आ ही नहीं रही है सर। उसके नाम पे जो चाइना से वो डुप्लीकेट बन रही है क्या? नहीं सर, ये मॉडिफाई की होती है, खुद ही और मशीनों का पार्ट लेकर उसे जोड़ा होता है, मतलब कि मशीनों का पार्ट। वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं देती? नहीं देती, वो सर 2-3 लाख कॉपी के बाद वो खड़कनी आवाजें निकालनी स्टार्ट कर देती है, हल्की हल्की आवाज देनी स्टार्ट हो जाती है। आजकल क्या प्राइसेस चल रही है बेस्ट, जो मतलब कि उनको जो जाता है खरीदने? सर ऐसा हर एक मार्केट का अलग है, हर एक स्टॉक का अलग है। जैसे कि अब 6000 130-140 की रेंज में है, 1,30-40 की लाख ठीक है की रेंज में है, बट सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, बट इसमें ओरिजिनल मशीन नहीं आ रही है। ठीक 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 है, वही आपने बताया कि वो आप ही तैयार कर रहे हैं ब्रांड उसका, USA का शो कर रहे हैं। वही शो कर रहे हैं सर। तो इंजीनियर बताएगा कि ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल, वो भी बहुत सोच समझ के सर हमें परचेज करना है, क्योंकि इंजीनियर को भी
कुछ पैसे की जरूरत होती है वो उसको उसके सपोर्ट, लिए हमें उन्हें, हमने हमने उसको सपोर्ट देनी है, हमने उसे सपोर्ट देनी है कि ठीक ये बताओ लेनी है ठीक है। मान लीजिए उसको 5,000 या 2,000 जो बस सर, मतलब इतनी सपोर्ट देके वो हमें ये बता देगा कि, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1,00,000 से प्लस हो गई है, प्लस हो गई है सर, बहुत बड़ी। और हर इंसान का पैसा बहुत कीमती है सर, एक बिजनेस अगर अगर उसकी फोटो कॉपी परफॉर्मेंस नहीं देती है तो बहुत खर्चा हो सकता है। खर्चा नहीं सर, वो बस खत्म ही है सर। अच्छा, फिर डेड हो जाएगा। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, ठीक है। हमें एक बार फिर आप एक बार बताएंगे, फर्स्ट हमें होलसेल के पास जाना चाहिए, उसके बाद आपने क्या बताया था वहां देखना पॉइंट, गेट प्राइस लिस्ट। गेट प्राइस लिस्ट सर हमें कंपैरिजन करना चाहिए ठीक, दो मशीनों के बीच में, बीच में या दो दुकानदार, उसके बाद उससे एक प्रॉमिस, रिटर्न प्रॉमिस लेना चाहिए, प्रॉमिस लेना चाहिए कि आप 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ हमें फ्री सर्विस दो। और इसमें हमें फिजिकल की कोई सर्विस नहीं मिलती, अच्छा, डैमेज की। अच्छा, हमने हमारी गलती से मिस्टेक से ड्रम के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए, उसकी कोई गारंटी नहीं, कुछ रिपेयर हो जाए जैसे या नहीं सर, इसमें ड्रम की कोई गारंटी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी चीजों की होगी, बाकी चीजों की सर ठीक है, कुछ नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंजीनियर साथ में रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू ठीक।